जज़ाकअल्लाह खैर रूफी साहब, सदा सलामत रहिए। नाज़रीन मुकर्रम, मुझे खैर मकदम भी कहना है और हम शुक्रगुजार भी हैं कि हमेशा की तरह आज गुलशन हाफिज अब्दुल करीम एक दफा फिर बड़ी बहार आई है। क्या खूबसूरत सुहाने फूल चहक रहे हैं। आज रमजान की 25वीं मुबारक शब है और आज की इस महफिल शान लैलतुल कद्र को सजाने पर हदिया तबरी को सलाम भी है। हम शुक्रगुजार भी हैं कि इनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें यहाँ इकट्ठा किया और आज हम अपने करीमा का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हदाया अकीदत पेश करने के काबिल हुए। मेरी मुराद है साहिबजादा वाला शान जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान से। आप तशरीफ लाए, आपका खैर मकदम भी, आपका शुक्रिया भी कि आपके वसीले से हम सारे लोगों को भी यहाँ हाजिरी की दौलत और शरफ हुआ। मैं माइक किबला साहब के हवाले करूँगा कि वो खैर मकदमी कलिमात भी पेश करें और पीर साहब की खिदमत में भी अपनी मोहब्बत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह। मैं अपनी जानिब से, अपने शेख कामिल की जानिब से, ARYQTV की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, बल्कि ये हज़रत की अपनी जगह है, हज़रत की अपनी खानकाह है, हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हज़रत क़िबला पीर नूरुल हक़ क़ादरी साहब मद्दज़ल्लाहु अलैह। आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा शफकत फरमाते हैं। आप ARYQTV की लैलतुल कद्र के हवाले से इस बराह रास्त नशरियात में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम हजरत की इज्जतों में इजाफा फरमाए। याद रखिएगा, ग्राउंड पे जाके काम करना ये बहुत मुश्किल होता है, बातें कर देना बहुत आसान होता है। ये वो ख़ानदान है कि जिसकी खिदमात दीन और कुर्बानियों के एतबार से एक बहुत पुरानी दास्तान है। अल्लाह ताला हजरत के अजदाद का दराजात को बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला हजरत को मजीद इज्जतों से नवाजे। मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि आज शब नज़ूल कुरान है, लैलतुल कद्र है, तो कुरान करीम की फजीलत और आप अपने इरशादात से हम सब के कुलूब अजहान को मुनव्वर फरमाए। माशाल्लाह, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الله أكبر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله محترمي ومخدومي جناب پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب زیب سجادہ خانقاہ محمدی عائدگاہ شریف محترم قبلہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب عزیزم جناب محمد عدنان قادری صاحب
और आज के इस बज़म और महफ़ल को चार चांद लगाने वाले प्रोफेसर रऊफ़ी साहब और आपके साथ मद्दहान का जो आपके तलामज़ा हैं, सबको सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ। और इंतहाई सआदत की बात है कि हम साहिब कुरान की जिक्र कर रहे हैं। रमज़ान की 25वीं रात है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहत और कुरान के विर्द में हम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ईदगाह शरीफ हमेशा दीनी महाफिल का और तबलीगी दीन का मंबा और मरकज़ रहा है। अल्लाह ताला इस आस्ताने और इस खानकाह को आबाद और शादाब रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और बतौर ख़ास में ARYQ नेटवर्क का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि अपनी साबिका हसीन रिवायात को उसी तरह जिंदा और ताबिंदा रखा। और रमदानुल मुबारक की अहमियत और क़ुरान करीम की अहमियत अवामुन नास तक पहुँचाने में अपना जो एक कलीदी किरदार इस नेटवर्क का है वो बखैर व खूबी अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जितनी भी इसके अहलकार हैं, जितनी भी मुआविनीन हैं। अल्लाह ताला सबकी सही कबूल फरमाए। मैं सरदार साहब ने मुझे हुक्म दिया था वरना मैं तो सिर्फ प्रोफेसर रऊफ़ी साहब को सुनने के लिए, और काफ़ी दिन हो गए कोई महफ़िल नात नहीं हुई थी, कोई जो सोशल डिस्टेंस और कुछ चीज़ों का हमारी सरकार हमें पाबंद कर रही है, तो मैंने कहा एक मौका है हम इधर ही कोई मदीना की तरफ तवज्जो करके हाय शायद कोई दरवाजे अल्लाह तबारक ताला खोल दे। अल्लाह हू अकबर। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। हमारा यकीन है कि हुजूर का फैजान हर ज़र्रे तक पहुंचता है। अल्लाह हम भी फैज़ान लेने वाले इन ज़र्रों में से कहीं अगर शुमार हो जाए। सदर साहब ने मुझे हुक्म दिया कि कुरान हकीम के हवाले से मैं कुछ बात करूं। तो कुरान करीम के बारे में बोलना, बात करना एक बहुत कोई बाकमाल आदमी ही कर सकता है, क्योंकि किसी ने कहा था कि किताबुन ला यनकदी अजायबुहू, ये एक ऐसा किताब है जिसके जो अजायबात है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। जब तक इस जब से इस किताब का नुज़ूल हुआ है और तब तक जब तक इसको पढ़ा जाएगा, और कब तक पढ़ा जाएगा, कुरान को कुरान का जो लुगवी माना है सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला किताब। और फिलवाक़िया अगर कोई डेटा और एदाद व शुमार निकाले तो ये बिलयकीन मालूम हो जाएगा कि शायद इस तरह का कोई किताब न पढ़ा जा रहा है न सुना जा रहा है। और कोई भी किताब, कोई 8-10 सफ़े का किताब क्यों नहीं हो, उस किताब को कोई याद नहीं कर सकता। लेकिन ये 30 से पारे 6666 आयत और इनके हरूफ, इसके हिज्जे, इसके मुख्तलिफ किरात, इसके मुख्तलिफ तरतील,
दुनिया में एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों कुरा जो है पढ़ते हैं और सुनते हैं और सुनाते हैं। अल्लाह अकबर कबीर। और जमाने के हिसाब से कब तक पढ़ा जाएगा, रिवायात में आता है कि जन्नत में जब कुरा, जिसको तोड़ा आता है या ज्यादा आता है कुरान पाक, किसी को सूरत इखलास याद होगा, किसी को सूरत कौसर याद होगा, किसी को पूरा कुरान याद होगा, तो अल्लाह ताला से जब जन्नत में ये जन्नती मुतालबा करेगा कि मेरी दर्जे को बुलंद किया जाए, इस कैटेगरी से मैं दूसरी कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला उसे हुक्म कहेगा कि आप कुरान को पढ़ना शुरू कर दे और चलते जाइए। वो चलता जाएगा, जितना कुरान वो पढ़ेगा सुनाएगा उतने उसके दर्जात अल्लाह तबारक व ताला बुलंद रखेगा। इस किताब का विर्द इस जहान में तो है इंशाअल्लाह ताला, जिसको अल्लाह ताला तौफीक देता है कब्र में भी होगा। किसी बुजुर्ग के बारे में, हजरत इमाम मुजाहिद के बारे में आया है, एक हजरत साबित बुनानी के बारे में आया है कि उसने, वो जब नमाज पढ़ता था तो हर नमाज के बाद दुआ करता था कि या अल्लाह मुझे अगर नमाज की तौफीक तू किसी को कब्र में देता है, मुझे कब्र में भी नमाज की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने किया ऐसा कि जूं ही वो कब्र में रखे गए तो उसके एक शागिर्द कहते हैं कि ये दुआ मैं उससे बार बार सुनता था, तो जब आखिरी उसका ईंट में रख रहा था तो उसको मैंने थोड़ा सा उठा के सिरका के देखा तो हजरत कब्र में कुरान पाक नमाज पढ़ रहे हैं। और यही रिवायत हजरत इमाम मुजाहिद के बारे में है कि उन्होंने फरमाया हर दुआ में उसकी तलब होती थी, कुरान पाक को जब बंद करता था तो फरमाता था कि या इलाह अगर तू कब्र में किसी को कुरान पाक की तिलावत की सआदत देता है तो मुझे कब्र में कुरान पाक की तिलावत की सआदत अता फरमा। उनके शागिर्द भी यही कहते हैं कि जूं ही हम कब्र बंद कर रहे थे एक ईंट जो है वो गिर गई, जब हमने देखा तो हजरत कुरान पाक पढ़ रहे हैं अपने कब्र में। और अगर हम फकीर ये तमन्ना करें कि कब्र में दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाह ताला हमारे साथ भी ये मेहरबानी कर सकता है इंशाअल्लाह। कुरान पाक में कभी कभी सोचता हूँ कि इस उम्मत के चार शियार, ये बहुत बड़े बड़े शियार हैं, और इस उम्मत को मौला ने अजाब नहीं देना है। अगर अजाब देना होता तो ये चार चीज़ें इस उम्मत को नहीं देता। ये चार चीज़ें देना इस उम्मत को इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमानी है, रहमत और मेहरबानी फरमानी है। उस मग़फ़िरत और रहमत के लिए जुस्तजू ज़रूरी है, तलब ज़रूरी है, कोशिश ज़रूरी है। वो चार शायर क्या हैं? एक ज़ाते बाबरकात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा जो नेमत और रहमत और वजह शफात है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद दूसरा कुरान हकीम है। सुभान अल्लाह। कुरान हकीम अगर मौला ने इस उम्मत को अजाब देने का इरादा होता तो कुरान न देता। कुरान देने का मतलब यह है कि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने बख्शना ही बख्शना है। तीसरी जो चीज इस उम्मत को मिली है वो रमदानुल मुबारक है। रमदानुल मुबारक ऐसा एक मौसम है मग़फ़िरत का कि बहाना अल्लाह ताला ढूंढता है कि किस तरीके से इस रोजेदार को मैं बख्श दूं, किस तरह उसकी मग़फ़िरत करूं। सिमतुहु तस्बीह, नौमुहु इबादत, सो जाओ तो इबादत है, खामोश रहो तो तस्बीह है, अमल करो तो अदआफ़ मुदाइफा, हजार चंद जो है उसका अल्लाह ताला बदला देता है। तीसरा जो शार है वो रमदानुल मुबारक है,
और चौथा जो शियार अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है वो काबतुल्लाह है। काबतुल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अजाब देना होता तो काबतुल्लाह न देता। काबतुल्लाह एक ऐसा दरवाज़ा है कि जो भी गया और जिसके लिए मग़फ़िरत मांगी गई, हर हाजी हर मोतमिर अपने वालिदैन के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मोमिनीन मोमिनात के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है, वो सारी दुआएं अल्लाह तबारक व ताला सुनता है, इजाबत फरमाता है और कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने जिस दरवाजे को अपना दरवाज़ा, जिस बैत को अपना बैत ठहराया है, कोई ये न सोचे कि मैं अल्लाह के घर पे बैत पे जाऊं, उसके दरवाजे पे पहुंच जाऊं, उसके दरवाजे को पकड़ूं और फिर भी वो करीम रहीम रहमान ज़ात मुझे छोड़ेगा, ज़रूर अल्लाह तबारक व ताला दुआ भी कबूल फरमाएगा और मग़फ़रत भी फरमाएगा। शहर रमदान का अल्लाह ताला ने एक ख़ास नस्बत कुरान के साथ बयान किया है, शहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया है और कुरान पाक के नज़ूल का मतलब है कि आसमान दुनिया से लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे इस महीने में लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया और फिर आसमान दुनिया से वही जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीना मुबारक पर 23 साल के अर्स में गुजारा, उतारा कुरान पाक को नाजिल फरमाया। मैं एक बात यहाँ पे गुजारिश करूँ कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, आपने फरमाया कान खुल्कुहुल कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान, हुजूर के अखलाक कुरान थे। और एक रिवायत में यूं भी आया है कि एक दफ़ा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी अय्याम ज़िंदगी में इलालत के दौरान अपने हुजरा मुबारक से मस्जिद नबवी की तरफ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इमामत फरमा रहे थे, तो एक सहाबी वाक़या फरमाते हैं कि जब हुजूर ने अपने हुजरा मुबारक का पर्दा सरकाया और बाहर आ गए तो हम आपकी तरफ सब देखने लगे और हमने देखा कि अन्नहु वरक़तु मुसहफिन, हुजूर का चेहरा। उस सहाबी कहता कि मैं तशबीह किस चीज़ से दूँ, तो उन्होंने कहा कि अन्नहु वरक़तु मुसहफिन, हुजूर के चेहरे को कुरान कहा गया। एक कुरान, कुरान मतलू है, कुरान वही है, कुरान नाजिल है, वो गारे हिरा से शुरू होती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 40 साल की हो जाती है, गारे हिरा से नुजूल उसका शुरू हो जाता है। अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, वहाँ तक ये नुजूल का सिलसिला रहता है। एक वो कुरान है, लेकिन जो अमली कुरान है वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सुभान अल्लाह, सुभान। अमली कुरान वो 12 रबीउल अव्वल हज़रत सय्यदा आमिना और सय्यदना अब्दुल्ला के घर से शुरू होता है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। वो गारे हिरा से शुरू नहीं होता, वो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के उस झोंपड़ी से शुरू हो जाता है। कुरान और साहिब कुरान का इस ताल्लुक़ को अहले मोहब्बत के लिए जानना ज़रूरी है। और मैं एक गुजारिश करूँ कि जो लोग कहते हैं कि कुरान हर सूरत के साथ लिखा होता है कि मदनीयुन मक्कीयुन, ये सूरत मक्की है, ये सूरत मदनी है, कुरान पाक के बाज़ हिस्से ऐसे हैं जो मक्की भी हैं और मदनी भी हैं, उसमें क्या है मक्की और मदनी कुरान में, वजह क्या है? हुजूर मक्का में है तो कुरान मक्की है, हुजूर मदनी में है मदीना में है कुरान मदनी है। अच्छा है, और अगर दोनों जगह हुजूर है और नाजिल हुआ है तो कुरान मक्की भी है और मदनी भी है।
صاحب قرآن اور قرآن کا اتنا ایک قریبی تعلق ہے تو جو لوگ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضور کی شان کو حضور کی مقام کو حضور کی عظمت کو حضور کی رفعت کو قرآن پاک سے دیکھیں سوچے سمجھے کہ قرآن پاک نے کس طرح حضور کے مقام اور رفعت اور مکان کو بیان فرمایا ہے. قرآن پاک کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. جناب محترم قاسم سوری صاحب تشریف لے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قرآن پاک اور رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق یوں بھی ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن پاک کا ورد کرتے تھے, دور کرتے تھے. جس طرح دو حافظ بیٹھتے ہیں, ایک حافظ ایک رکوع سناتا ہے, دوسرا حافظ سنتا ہے, پھر وہ حافظ سنتا ہے اور پہلے والا سناتا ہے. جب سننے اور سنانے والا ایک طرف محمد عربی ہو اور دوسرے طرف جبریل امین ہو, اس دور کا اور اس ورد کا اللہ کیا شان ہو. اور جب حضور نبی کریم یہ صرف رمضان میں حضور فرمایا کرتے تھے یہ دور, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا آخری زندگی کا آخری سال تھا, وصال سے پہلے دنیا سے ظاہری پردہ فرما ہونے سے پہلے, تو اس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دور فرمائے قرآن پاک کے. حضرت جبریل امین کے ساتھ دو دور قرآن پاک کے ہو گئے. یہ اور اسی وجہ سے رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ورد کا, قرآن پاک کی تلاوت کا اس امت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا ہے کہ آپ ایک تو امام ابو حنیفہ کا جو قرآن سے تعلق تھا اعظمیہ میں جہاں پہ آپ کا دفن ہے, جہاں پہ آپ کا مزار ہے, وہاں پہ اپنی جہاں پہ قبر ہے آج کل, وہ قبر اور مزار مبارک پہ وہاں پہ امام ابو حنیفہ نے 70,000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا ہے اپنی حیات اور زندگی میں. 70,000 مرتبہ ختم. اللہ اکبر کبیرہ. اور رمضان المبارک میں آپ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ 61 دفعہ قرآن پاک کا ختم کرتے تھے رمضان المبارک میں. ایک ختم رات کو, ایک ختم دن کو, اور ایک ختم پوری رمضان کو. 30 دنوں میں 61 دفعہ قرآن پاک ختم فرماتے تھے. اور اسی طرح باقی ائمہ مجتہدین اس بزرگ کی امت کے جو بزرگان دین رہے ہیں ان کا بھی یہی معمول اور یہی طریقہ رہا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے 4 مذاہب میں سے ایک مذہب کے مقتدا اور پیشوا ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا کوئی معمولی کام نہیں ہے. پھر 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا جو شان ہے, مقام ہے, اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا. ملاقات ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ میرا پھر یہ دل میں خیال رہا کہ اگر سمی مرتبہ میرا پھر خواب میں کوئی یہ شرف اور یہ عزت مجھے مل جائے. یہ بزرگوں کا اپنا کمال ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح رابطے میں ہوتا ہے کہ خواب میں دیکھنے لگتا ہے. کوئی بزرگ ایسے گزرے ہیں, امام ابو الحسن الشاذلی ان کے بارے میں ہیں کہ جب وہ جو ہی ان کی آنکھ لگ جاتی تھی, خواہ وہ دن ہو خواہ وہ رات ہو, کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے, مہمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, جو ہی آنکھ لگ جاتی تھی
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے تھے. جو ہی سوتے تھے, دن ہو رات ہو سفر ہو حضر ہو, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے تھے. امام احمد ابن حنبل نے 99 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کو خواب میں دیکھا. دل میں خیال آیا کہ 100ویں مرتبہ دیکھوں گا تو اپنے رب سے پوچھوں گا کہ میرے رب تو اپنے بندے سے کس طرح راضی ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے 100ویں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا خواب میں. میں نے پوچھا کہ یا رب تو اپنے بندے سے کس طرح راضی ہوتا ہے؟ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتلاوت القرآن. اللہ اکبر, میں قرآن پاک کی تلاوت پر اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں. اس وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے میں ہم کلام ہو جاؤں, رب میری بات سنے, میں بولوں اور رب مجھے سنے, تو الصلاۃ معراج المؤمن, نماز کی طرف آ جائے, نماز پڑھے. بندہ بولتا ہے رب سنتا ہے. اور اگر کوئی یہ ارادہ کرے کہ رب بولے اور میں سنوں, پھر قرآن کی طرف آ جائے. قرآن رب کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اس کلام کا باقی کلاموں پر اتنا رتبہ اور فخر اور بلندی ہے جس طرح میرا رتبہ اپنے مخلوق پہ بلند ہے, میرا یہ کلام تمام کلاموں پہ بلند ہے. رمضان المبارک کی لمحات میں میں تمام ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ ان آخری 4-5 دنوں میں قرآن پاک کی ورد کو اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں. اور قرآن پاک جس طرح حکم دیتا ہے فَلْيَتَدَبَّرُوا فِي آیَاتِهِ, ان کی آیات میں, ان کی معانی میں, ان کے مفہوم میں, ان کی الفاظ میں, ان کے نظم میں, اس کے ترتیل میں, اس میں ہم تدبر کرے, غور کرے, فکر کرے. اور حدیث مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتی ہے اور دل کو بھی زنگ لگ جاتی ہے. دلوں کا زنگ جو ہے وہ تلاوت کلام پاک پہ ختم ہو جاتا ہے. دل زنگ آلود, دل صاف ہو جاتے ہیں. ہم ٹرائی تو کریں, ایک تجربہ تو کریں, قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کو پڑھیں اور لوگوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے سننے کی تلقین کریں. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.